हम लोग एक्चुअली XUV 700 देखने गए थे, लेकिन वहाँ पे अभी तक वो गाड़ी आई नहीं है देखने के लिए। वो उन्होंने मुझे बताया कि सर 7 अक्टूबर को गाड़ी आ जाएगी। मेरा फ़ोन नंबर लिया उन्होंने और मुझे बुला लेगी उसे देखने के लिए। वैसे थाने सालासार कोई एजेंसी वहाँ से मुझे फ़ोन आया था कि सर हमारे यहाँ पे गाड़ी आ गई, आप देखने के लिए आ सकते हो। लेकिन मेरे यहाँ से थाने काफ़ी दूर है, बहुत हैवी ट्रैफिक भी होता है, वहाँ तो हम लोग नहीं गए अभी। तो बाय द वे हम लोग अभी टाटा सफारी देखने के लिए आए, देख लेते हैं टाटा सफारी कैसे। वैसे यहाँ पे एक ना फॉर्च्यूनर भी खड़ी है, लखो जो टोयोटा करके है उनकी फॉर्च्यूनर भी खड़ी है, तो देख लो कैसी फॉर्च्यूनर। तो सफारी देखते हैं, चलो आइए। चालू है सब और जरूरी भी फ्रेंड्स। हम लोग सफारी देखने गए, देखो सफारी गाड़ी कैसी है, बहुत ही बढ़िया गाड़ी है और इंडियन ब्रांड है, तो एकदम रगेड गाड़ी है। और मेरे भाई को भी काफ़ी पसंद है गाड़ी, तो चलो देखते हैं अंदर जाके गाड़ी कैसी है। लेकिन जो स्टॉप है उसमें लेकिन मेरे से पिक्चर साइलेंस ज़्यादा है, तो हमारे साथ में अभी टाटा के शोरूम के जो थोड़ा सा एडवाइस देंगे, हमको बताएंगे कि अभी जो नया कुछ वेरिएंट आ रहा है टाटा सफारी में, तो देखते हैं कि उसमें क्या क्या अभी बताएंगे। तो थोड़ा सा बताइए हमको उसके बारे में। सफारी गोल्ड एडिशन में लॉन्च हो रही है, वहाँ पे आपको दो ऑप्शंस आते हैं, कलर ऑप्शंस व्हाइट एंड ब्लैक में। वहाँ पे आपको कुछ गोल्ड के ट्रिम्स मिलेंगे, जैसे ये आउटसाइड जो क्रोम है वहाँ पे आपको गोल्ड लाइट गोल्ड का ट्रिम मिलेगा। इंटीरियर में आपको व्हाइट पैनल, व्हाइट में आपको व्हाइट पैनल और ब्लैक में आपको डार्क पैनल मिल जाएगा। यानी कि ये जो पैनल ये व्हाइट में आएगा? नहीं, ये नहीं सर, यहाँ ब्लैक डुअल टोन के इंटीरियर के हिसाब से। इंटरनली आपको वायरलेस चार्जर एडिशनल आ जाएगा। सीट्स जो है आपको 6 सीटर में दोनों वेंटिलेटेड सीट्स आ जाएंगे। ओके, वेंटिलेटेड सीट्स आ रहे हैं अभी सफारी में जो नया आने वाला है। जी, सो 6 सीटर में आपको रेयर में भी सीट जो रहेगा वहाँ पे भी आपको वेंटिलेटेड। रियर में भी? रेयर वाला, यानी कि ये दोनों सीट में ड्राइवर को ड्राइवर दोनों वेंटिलेटेड। अच्छा, जो नई सफारी आ रही है इसमें दोनों वेंटिलेटेड सीट आ रहे हैं, प्लस पीछे की भी जो सीट है पूरी वेंटिलेटेड आ रही है, तो अरे बहुत अच्छी बात है। तो सेवन सीटर में सिर्फ आपको फ्रंट सीट जो है वो वेंटिलेटेड आती है। और ओवरऑल जैसे कि आप देख सकते हो डार्क एडिशन बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट डिमांड है जैसे हेरियर की, तो वहाँ पे भी आपको ब्लैक में आता है कलर अवेलेबल। हम तो ब्लैक तो नहीं लेने वाले, और ये कलर हमको पसंद है ये। जी, ओके, तो नॉर्मल सारे अवेलेबल। ये मेरे का से नेवी ब्लू है ना, वरना रॉयल ब्लू सर। रॉयल ब्लू, अच्छा सर। गोल्ड एडिशन, ओके। तो फ्रेंड्स ये गाड़ी तो बेस मॉडल है, हमको तो टॉप मॉडल ही देखना है, जब भी देखना है तभी। तो मेरे ख्याल से थोड़ा वेट करेंगे हम उसके लिए और देखेंगे कि क्या उसमें आता है, क्या और फीचर्स आते हैं, तो उसको पसंद करेंगे। ठीक है, इसकी प्राइस क्या है? ये आपको 18.5 से स्टार्ट हो जाती है। नहीं, अपनी जो मैं टॉप मॉडल बोल रहा हूँ जो उसकी टॉप आपको 27 तक जाएगी सर। टॉप 27 लाख। और उसका पावर क्या है? 170 PS की पावर, 350 Nm 170 PS की पावर और 350 Nm का टॉक मिलेगा उसमें। जी सर, लीटर इंजन सेम सर। इसका जो ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है वो आपको अपर सेगमेंट जैसे कि ट्यूशन से बोलो किया, तो ऑटोमेटिक गियर बॉक्स आपको कंपेयर टू कंपटीशन स्मूथ ट्रांसमिशन। अच्छा अच्छा, तो अभी जो अभी टॉप मॉडल है टाटा हैरियर जो है सफारी है, इसमें ऑटोमेटिक है? ऑटोमेटिक है। अच्छा, सबसे ज़रूरी बात हमारे जो भारतीय लोग देखते हैं कि गाड़ी एवरेज कितना देती है, तो पूछ लेते गाड़ी एवरेज कितना देती है। जी, क्लेम माइलेज जो ओवरऑल स्पेसिफाई किया गया 16 का मिलता है, बट ओवरऑल आप सिटी में देखेंगे तो 10 to 12 मिल जाएगा। 16 का तो बताएगा, लेकिन कभी कभी गाड़ी आपके चलाने ऊपर होता है ज़्यादा भी माइलेज दे देती है। जैसे कि मेरे पास अभी XUV 500 है, तो कभी कभी मुझे वो लगभग 18-20 का भी एवरेज दे देती है। ऑन हाईवेज आपको कैसे इको मोड का ऑप्शन मिलता है उसमें, तो आप इको मोड में डाल के बिलो 80 आप चलते हो तो डेफिनेटली क्लेम माइलेज से ज़्यादा मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा पीछे रेयर भी देखते थे। यहाँ पे कैसा है कि आपको स्पेशियस 7 सीटर देने का ट्राई किया कंपनी ने सर। बेसिकली होता क्या है, अगर यहाँ पे सीट में कॉम्प्रोमाइज किया जाए आपको,
प्रॉपर 7 सीटर। तो कंपटीशन में एक्चुअल में आपको 7 सीटर में सबसे ज्यादा स्पेस पॉइंट, और उसके अलावा अगर आपको काफी स्पेस होता है जैसे फ्लैट फुल रहेगा यहाँ पे भी आपको, जैसे कि आप ऑलरेडी एक्सयूवी से वैसे ज्यादा 50-50 प्लस 100% फुल कर सकते हो गाड़ी में। सर कंपटीशन की कुछ सबसे बेस्ट इन क्लास चीजें हैं, देखा ग्राउंड क्लियरेंस, टायर साइज। हाँ तो फ्रेंड्स अभी देखो एक गाड़ी तो बहुत ही बढ़िया और स्पेस भी बहुत अच्छा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये हमारी इंडियन ब्रांड है। अभी मैंने एक बार इम्पोर्टेड बाइक ली थी तो मुझे बहुत सारी दिक्कतें आती थी सर्विसिंग के रिलेटेड और प्रोडक्ट के, मतलब इसके जो पार्ट्स है उसके बारे में। तो मैं जहाँ तक 100% अगर मैं देखूँगा तो अपनी इंडियन ब्रांड ही देखूँगा। और जहाँ तक मैं ये सफारी तो मुझे बहुत पसंद आई। अभी देखिए गोल्ड एडिशन आने वाला है, उसमें क्या क्या आते हैं देख एक बार आके देख लेंगे और फिर सोचेंगे कि क्या करना है उसके बारे में। ठीक है, सफारी की टेस्ट ड्राइव लेने वाले हैं, ऑटोमेटिक है तो चला के देखते हैं गाड़ी कैसी है। और मुझे तो सच में पर्सनली बहुत पसंद आई। तो गोल्ड एडिशन आएगी तो देखेंगे कि उसमें क्या क्या कैसे है, और एक्सयूवी 700 भी मुझे देखनी है तो देखेंगे कि दोनों से कौन से अच्छे हैं, उसमें डिसाइड करेंगे कौन सी गाड़ी हमें लेनी है। फिलहाल हम लोग चलेंगे टाटा सफारी की टेस्ट ड्राइव, ऑटोमेटिक गाड़ी है और देख लेते हैं कैसी गाड़ी चलती है। बंद कर दें ने ऑडी चलाया था एक बार, हम लोग पूरे फैमिली गए थे देखने। अच्छा, लेकिन वो 5 सीटर में थे तो इतना मज़ा नहीं है। अब मेरे कैसा कि मोस्ट ऑफ 7 सीटर ही चाहिए, कोई अगर मिल गए ना फैमिली के लोग तो अच्छा रहता ना। सब मज़ा आया, ये चल रहा आगे चल रहा। आपको कौन सा कम्फर्ट रूट है उसे आगे से एकदम आगे चलिए आगे क्राउड से ज़्यादा क्राउड होता है नहीं अभी दोपहर के वक्त तो नहीं चलेगा ना। आपको जो भी कम्फर्ट रूट है बड़ा ट्रैवल कोई दिक्कत नहीं सर। इसका जो ऑटोमेटिक वर्जन इसमें कितना एवरेज है सर? एक दो किलोमीटर का ड्रॉप होता है, बाकी अभी कैसा डिस्टेंस का रियल टाइम फ्यूल कंजम्पशन दिखाता है, रियल टाइम एवरेज दिखाता है। तो जैसे आप ड्राइव करते हो उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली अगर आपको तो मुझे ऑटोमेटिक में लेना है किसी भी हाल में, क्योंकि ऑटोमेटिक फायदा क्या होगा मैं कहीं अगर ट्रैफिक है तो, नहीं तो इसकी पूरी बाट लग जाती है। बराबर, आपने एक पैर और हमेशा एंगेज करें बंद करी वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग घर पे आ गए अभी और काफ़ी कुछ देखा हम लोगों ने गाड़ियों में, लेकिन मैंने आज जो गाड़ी देखी टाटा सफारी, फ्रेंड्स ये अपनी इंडियन ब्रांड है, टाटा की बहुत अच्छी ब्रांड है, काफ़ी रिफाइंड है वो इंजन उसका, पावर भी अच्छी 170 bhp की पावर है, 330 mm का टॉक है, अच्छी गाड़ी है, अच्छी लगी मुझे। टाटा सफारी जो है सच में अच्छी गाड़ी है, ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही अच्छी है, दिखने में गाड़ी बहुत अच्छी है, मस्त गाड़ी है, उसका कंफर्ट भी बहुत अच्छा है। मैं एक्चुअली टॉप मॉडल देखने गया था, शोरूम में टॉप मॉडल तो नहीं था, मैं टाटा हैरियर टेस्ट ड्राइव, मुझे टाटा हैरियर मिली। एक्चुअल में हमारे जो माइंड में होता है कि हम ये चीज़ देखने जा रहे हैं, अगर वो चीज़ हमको नहीं मिली तो थोड़ा सा ज़रा नर्वसनेस होता है, लेकिन फिर भी मैंने टाटा हैरियर गाड़ी चलाई, अच्छी रही गाड़ी। और आई होप कि जब टाटा सफारी में देखने जाऊंगा, अभी उनका जो गोल्ड एडिशन आने वाला है उसमें काफ़ी कुछ आने वाला है, मैं जो कि वीडियो में बताया मुझे एडवाइजर ने सब कुछ उसमें, तो देखेंगे कि वो गाड़ी कैसी है, उसकी भी टेस्ट ड्राइव लेंगे। हार्डली 10-15 दिन में आ जाएगी वो, और भी रेडी है, लॉन्च हो गई वो लगभग, तो उसको भी देखेंगे, सर्च करेंगे और XUV700 भी सर्च करेंगे, देखते कौन सी गाड़ी अच्छी है और फिर हम लोग डिसीजन लेंगे कि हमें कौन सी गाड़ी लेनी है। तो फ्रेंड्स अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और बेल आइकन ज़रूर दबाना। तो फ्रेंड्स अभी तक के लिए इतना ही, नमस्कार।